गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th, लेसन 5, मदर्स डे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस लेसन नाउ। हियर द फॉलोइंग प्ले इज ह्यूमरस बोटगेयर। ये पूरा नाटक हास्य और व्यंग से परिपूर्ण है। द स्टेटस ऑफ मदर इन ए फैमिली, इसमें एक परिवार के अंदर एक माँ का क्या स्थान है ये दिखाया गया है। लेट अस रीड ऑन द सी हाउ मिसेज पर्सन फैमिली रिएक्ट्स व्हेन सी ट्राइज टू स्टैंड अप फॉर हर ओन राइट्स। आइए पढ़ते हैं इस लेसन को और पता लगाते हैं कि किस तरह से श्रीमती पियर्सन ने अपने परिवार में इस प्रतिक्रिया का किस तरह से सामना किया और अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए वैसे वह किस प्रकार से उठ खड़ी हुई। इन द फर्स्ट यहां करेक्टर्स हैं मिसिज एनी पियर्सन, सेकेंड नंबर पर जॉर्ज पियर्सन और थर्ड नंबर पर डोरिस पियर्सन, फोर्थ साइरल पियर्सन और लास्ट में श्रीमती फिट्जरॉय। इन पांच करेक्टर्स में हमारा यह पूरा नाटक आपके सामने रहेगा। सबसे पहले देखते हैं कि यह नाटक किस स्थान पर प्रारंभ होता है। द एक्शन टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन हाउस इन ए लंदन। घटना लंदन के उपनगरीय क्षेत्र में पियर्सन निवास की बैठक में घटित होती है। यहाँ पहले दृश्य में हम देख सकते हैं द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली। यहाँ पर पियर्सन परिवार की एक बैठक है। आफ्टरनून, दोपहर का समय है। इट इज ए कंफर्टेबली फर्निश्ड, यहाँ पर आरामदायक फर्नीचर रखा हुआ है। मच लाइव इन रूम इन ए स्मॉल सुबर्बन सेमी डिटेच्ड विला। और जो ग्रामीण स्तर पर उपनगरीय क्षेत्र होते हैं और वहाँ जो आवास होते हैं उसकी बैठक को यहाँ पर अच्छी प्रकार से दिखाया गया है। आगे इफ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड बी यूज्ड, अगर आवश्यकता है तो आप एक दरवाजे को प्रयोग कर सकते हैं। बट इट इज बेटर विथ टू, यहाँ पर दो दरवाजे दिखाए गए हैं। वन अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर, पहला दरवाजा जो सामने के दरवाजे की ओर खुलता है, एंड द स्टेयर्स एंड द अदर इन द राइट वॉल लीडिंग टू द किचन। और आगे जो दिखाया गया है बाईं ओर ही रसोई की दीवार तथा पिछले दरवाजे पर इस को यूज किया जा सकता है। और देयर कैन बी मसलिन कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट वॉल एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल टू द फायर प्लेस इज एज्यूम्ड टू बी इन द फोर्थ वॉल, देयर इज ए सेटी अप राइट एंड आर्म चेयर डाउन लेफ्ट एंड वन डाउन राइट, ए स्मॉल टेबल विथ टू चेयर्स ऑन आइदर साइड ऑफ इट स्टैंड्स एट द सेंटर। मलमल के पर्दों से ढकी एक खिड़की बाई ओर दीवार पर हो सकती है और संभवतः ठीक वैसी ही दाई ओर भी। अंगीठी चौथी दीवार में कहीं भी हो सकती है। दाईं ओर एक सेठी रखी है और बाईं ओर एक आराम कुर्सी तथा दूसरी ओर एक मध्य में एक छोटी मेज जिसके दोनों ओर दो कुर्सियां रखी हुई है। इस तरह से हम स्टेज पर इन सब चीजों को व्यवस्थित कर सकते हैं इसका मंचन करने के लिए, जैसी स्थितियां यहां पर दी गई हैं। नाटक प्रारंभ होता है। व्हेन द कर्टेन राइजेस इट इज एन आफ्टरनून इन अर्ली ऑटम एंड द स्टेज कैन बी वेल लिट, जब पर्दा उठता है तो पतझड़ के प्रारंभिक मौसम की दोपहर बाद का समय है। आटम पतझड़ को कहते हैं और स्प्रिंग वसंत ऋतु को कहते हैं। तो यहां पर यह पतझड़ का मौसम है, सर्दियों का समय है। मिसेज पियर्सन एट राइट, मिसेज पियर्सन दाहिनी ओर है एंड मिसेज फिट्जरॉय एट लेफ्ट, वो बाईं ओर बैठी हुई है। आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर एट द स्मॉल टेबल, एक छोटी सी टेबल के आमने सामने। ऑन विच आर टू टी कप्स एंड सोसस एंड द कार्ड्स विद विच मिसिज फिट्जरॉय हैज बीन टेलिंग मिसिज पियर्सन फॉर्चून, और टेबल पर दो कप प्लेटे हैं और मिसिज फिट्जरॉय के कार्ड हैं जिनसे वह मिसिज पियर्सन के भविष्य के बारे में कुछ बता रही है। मिसिज पियर्सन इज ए प्रेजेंट बट वरीड लुकिंग वोमेन इन हर फोर्टीज, यहाँ पर श्रीमती पियर्सन का जो भविष्य बता रही है। तो पियर्सन 40 वर्षीय खुशनुमा परंतु दुख से भरी दिखाई देती हैं। वे अपने परिवार से परेशान है। मिसेज फिट्जरॉय इज ओल्डर, और मिसेज फिट्जरॉय जो है यहाँ पर थोड़ी बड़ी आयु की हैं।
हैवियर भारी हैं एंड स्ट्रॉन्ग एंड सिंस्टियर पर्सनैलिटी, और कद काठी से वे काफ़ी मजबूत नजर आती हैं और एक अच्छे व्यक्तित्व की स्वामिनी है। सी इज स्मोकिंग, वह धूम्रपान भी कर रही है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस टू शुड हैव हैप्पी कॉन्स्टेंटिंग वॉइसेस, और यह अति आवश्यक हो जाता है कि जब दो महिलाएं आपस में बात कर रही हैं तो उनकी स्वर लहरियां आपस में विरोध भी करती हैं। मिसिज पियर्सन स्पीकिंग इन ए लाइट, मिसिज पियर्सन थोड़ा विनम्र भाव से बोल रही हैं। फलरीट सॉफ्ट ऑफ टॉन, और उसकी आवाज में एक बदहवासी सी नजर आती है। विथ ए टच ऑफ सबर्बन कुकरी परहैप्स एंड मिसिज रिटर्न विथ ए डीप वॉइस रादर आयरिश परहैप्स, जिसने एक उपनगरीय वातावरण का यहाँ पर बोध कराया है। और अगर हम श्रीमती फिर्स को देखें तो उनकी आवाज़ थोड़ी गहरी है और आयरिश लय भी उसमें दिखाई देती है। आयरिश लोग जिस तरह से बोलते हैं उसके स्वर में वो बातें नजर आती हैं। तो आगे देखते हैं, मिसेस फिशलैंड का यहाँ पर पहला डायलॉग शुरू होता है। कलेक्टिंग अप द कार्ड्स, अपने कार्ड को इकट्ठा करते हुए, एंड दैट इज ऑल आई कैन टेल यू, वह बताती है कि श्रीमती पियर्सन को, मिसेस पियर्सन कुड बी ए गुड फॉर्चून, आपका भाग्य अच्छा हो सकता है, कुड बी ए बैड वन, और बुरा भी हो सकता है। ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ, वो केवल आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने भाग्य को कैसा बनाए। मेकअप योर माइंड, आप अपने मन को तैयार करें, एंड देयर इट इज, और उसको आप वैसा ही बनाओ जैसा आप चाहती हो। यस थैंक यू, हाँ धन्यवाद। मिसेज फिशलैंड आई एम मच ओब्लाइज्ड, मिसेज फिशलैंड मैं आपकी अत्यंत आभारी हूँ। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, इट इज वंडरफुल हैविंग ए रियल फॉर्चून टेलर, ये आश्चर्यजनक बात है, वास्तव में जो मेरा भविष्य है टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर, वो इस बात पर निर्भर करता है कि अगला मुकाम क्या है। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू, और आप इसे पहले भी सीख सकती हैं। यहां इन लाइनों में मिसेज पियर्सन फिजलैंड का धन्यवाद करते हुए एक बात को स्पष्ट कर देती है कि इसके लिए हमें एक अच्छे पड़ोसी की आवश्यकता होती है, और संयोग से मुझे एक अच्छा पड़ोसी मिल गया है, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनको फॉलो करते हुए, उनका अनुसरण करते हुए अपने भविष्य को कुछ और अच्छा बना सकूं। आज इतना ही, शेष कर। ओके, थैंक यू वेरी मच।